बुरहानपुर जिले के ग्राम डोगर गांव में चारों ओर जिंदगी पसरी हुई है, जिससे आए दिन गांव में डेंगू के केस देखने को मिल रहे हैं। बता दें कि बुरहानपुर जिले के ग्राम डोगर गांव में फैली गंदगी और पनप रहे मच्छरों से लगातार डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीण लगातार सरपंच और सचिवों को शिकायत भी कर रहे हैं। इसके बावजूद भी इस समस्या का अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ है। इसी क्रम में समस्या का निराकरण नहीं होने पर ग्रामीण सरपंच और सचिव पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, जिसको लेकर सचिव शांताराम ने शीघ्र ही शिकायत का निराकरण किया जाएगा कहकर पल्ला झाड़ दिया। सर, 4 सालों से हम सरपंच को ये सब नाली का पानी और संडास बाथरूम का पानी जो है ये सब हमारे घर के पास आके रुका है। इन लोगों ने नाली नहीं निकाली, हमने बोला कि नाली कई बार जाके पंचायत में कि भैया नाली निकालो, ये पानी नाली गटर में डालो, तो ये संडास बाथरूम का ये सब मकानों का पानी हमारे घर के पास आके रुका है। इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, मैंने शिकायत भी करी, मैंने उनको बुलाया भी, कई बार कर देते हैं, बस 4 सालों से यही कर देते हैं, पर वाकई अभी तक नहीं हुआ। ये गांव में गंदगी की समस्या को लेकर कुछ परिवार महिलाएं शिकायत कर रही है, इस विषय पर सचिव साहब आप क्या कहेंगे? भाई, वहां पर प्रस्तावित है वो नाली, प्रस्तावित होने के बाद में हमने नाली बनाने के लिए गए तो वहां पर वो जो है इनके पास में कोई कागज नहीं है, वो रातिकर्मन में वो रोड के किनारे उन्होंने दीवार बना के रखी। अब नाली बनाने जाते हैं तो वहाँ पर बनाने नहीं दे रहे और पानी भी निकालने नहीं दे रहे, क्योंकि वो उधर से उखड़े डले हुए, वो उसको जो उसका निराकरण करने के लिए 2-3 बार प्रयास किए गए। ये गटर का पानी पूरा रोड पे आता है, इससे डेंगू मच्छर ज़्यादा तैयार होती है और गंदगी जाता है, गटर का पानी ये पूरा है। तो इसको लेकर पंचायत में आपने शिकायत करी कि नहीं करी? पंचायत में 3-4 बार आके बोल दिए, सरपंच को भी सेक्रेटरी को बोल दिए, पर वो सुनते नहीं। क्या कहते हैं? कर देंगे, करके बताते हैं। इतनी शिकायत कब से है आपको? ये 3-4 साल से हमारी शिकायत। 3-4 साल आओ। तो निराकरण आपका अभी तक नहीं? नहीं वो अभी तक। आपका नाम? कनीराम पवार। हाँ, ये जो सीधा पानी जाने वाला लांगी का डोंगर गांव के रोड वाला है, आखिरी रोड, ये सीधा अंदर जा रहा है गांव में, जो बास आ रहे हैं, सब बच्चे बीमार हैं, ये तो सब सीधे जा रहा है, पूरा डोंगर गांव का पानी है जो सीधी नाली। सची को, सची तो रोज देख रहे, रोज जा रहे, सरपंच जा रहा है यहाँ से, रोज सब देख रहे, सबको बोल रहे हैं, हम तो कोई क्या कान धैन में नहीं ले रहा है, पूरी लांगी फिट हो गई, सब बेल आ गई अंदर।